तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपेयर आप कर रहे हो, अच्छे से आपको अपने नंबर लाने हैं, तो उन्हीं नंबर को अच्छे से तैयार कराने के लिए, अच्छे से नंबर आपको पाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो आज उसका यह तीसरा लेक्चर है और उस तीसरे लेक्चर में ये आज पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। और आज के बाद इस पहले चैप्टर से जितने भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, इससे पिछली वीडियो में और इसमें जो मैं कराऊंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा। विश्वास दिलाता हूं कि अगर जो आपने तीनों वीडियो को देख लिया ना अच्छे से, और तीनों वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लिया, तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ एचएफ ए एंड बी इक्वल टू 12 एंड ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 1800, तो देन फाइंड एलसीएम ए एंड बी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स है, कोई उनका जो एलसीएम है वो तो है 12 और उनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि वो दो नंबर ए और बी है, और जो उनका प्रोडक्ट है वो है 1800, तो देन फाइंड द एलसीएम। तो जब एलसीएम फाइंड आउट करने की बात आए और टू नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन हो, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी। ए एंड बी क्या है यहां पर नंबर्स, जिनका एलसीएम और एचसीएम भी आता है। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम को हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम हमारे पास कितना है उन नंबर्स का, 12। तो 12 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है अपने पास, 1800। तो हमें तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो रहेगा एज इट इज, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा बेटा डिवाइड में। तो 12 से 1800 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये होगा 150 टाइम्स। कैसे हुआ देख लो, ये 18 है, ये 12 है। सबसे पहले हमने 12 से 18 को डिवाइड किया, 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, तो 24 तो 18 से ज्यादा हो जाएगा, तो 12 बन जा 12, 18 में से 12 को माइनस करा तो कितना बचा 6। अब 6 को 12 से लेस देन है, तो हमने यहां से 0 को नोट कर लिया, तो कितना हो गया 60, 12 5 जा 60, अब हमारे पास 60 पूरा कन्वर्ट हो गया, यहां पर 0 बची तो 0 को हमने ले लिया, तो हमारा जो एलसीएम निकल करके आया जिसमें वो एलसीएम हमें पूछा तो 150। तो हमारा जो आंसर है, जो एलसीएम हमारे से पूछा था, तो वो कितना निकल करके आएगा बेटा 150। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कॉपी पेंसिल आप साथ में लेकर के बैठे होंगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना बेटा अपनी नोटबुक में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 3 बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 9 12 एंड 15 मिनट्स इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बेल्स है, यानी कि 3 घंटियां है, उन 3 घंटिया को हमने 9, 12, 15 यानी कि 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के गैप से उनको बजाया, यानी कि क्या किया बजाया। इफ दे यदि स्टार टोलिंग टुगेदर, यानी कि यदि हमने उनको तीनों को एक साथ बजाया, तो वो टाइम दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, वो कौन सा समय होगा जब तीनों की तीनों घड़ी फिर से वापस से एक साथ बजेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि कोई भी चीज को स्टार्ट किया हो और ऐसा समय पूछे कि वो कब एक साथ मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2-3 ट्रेनें हैं, वो 3 ट्रेनों को मैंने स्टार्ट किया, एक को 10 बजे, एक को 11 बजे, एक को 12 बजे, और फिर मैं आपसे पूछने लगा कि वो कौन सा समय होगा, वो क्या बजे होंगे जब तीनों की तीनों ट्रेन एक साथ मिलेगी। तो जब भी ऐसी मिलने वाली बातें आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनका एलसीएम निकाल देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं इनका। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइंडिंग प्राइम फैक्टर गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स वी हैव जो हमारे पास है, ठीक है बेटा। अब नंबर क्या है, 9 है, 12 है, 15 है, तो इनका एलसीएम निकाल दीजिए बेटा।
एलसीएम एक साथ निकाल दीजिए, या एलसीएम ऐसे मत निकालिए, फैक्टराइजेशन ऐसे फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो ऐसे कर लीजिए पहले आप। तो सबसे पहले 12 है, 12 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 से 9 डिवाइड होगा क्या, नहीं, 12 होगा 6 टाइम्स, 15 होगा क्या, नहीं, फिर 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं, 6 आता है क्या, 3 टाइम्स, 15 आता है क्या, नो, नहीं। अब 3 से करेंगे, 3 वन जा 3, 3 जा 9, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 वन जा 3 और 1 का 1 है 5, 5 किससे डिवाइड होगा, 5 1 1 1, ये हो गया बेटा फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब जब ये फैक्टराइजेशन हो गए हमारे, अब एलसीएम निकाल लेंगे, निकाल लीजिए कितना है फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 2 = 4 × 4 = 12 × 12 = 20 × 12 = 36 और 36 × 5 = 180। तो जो हमारा एलसीएम आया है वही उतनी मिनट, यानी के 118 मिनट के आफ्टर, यानी के बाद वे तीनों की तीनों घंटे वापस से एक साथ बजेगी, तो हमारा आंसर हो गया 180 मिनट। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं और दो तीन क्वेश्चन अभी मैं और समझाऊंगा, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोटबुक तो साथ में लेकर बैठे ही होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। अगर जो किसी बच्चे ने नोट नहीं किया वो छूट गया है उसका, तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस सेशन का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। सबसे पहले क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मूला पे करा था, तो इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, जो आपको नंबर गिवन होते हैं। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जो भी नंबर हमें गिवन है इनका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर हमें है तो उसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंडिंग प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। सबसे पहले जो गिवन नंबर हमें है ना, हम उनका एलसीएम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम और एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 336 एंड 54। तो इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे होंगे बेटा, सबसे पहले तो हम ऐसे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 336 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा होगा, जिस भी संख्या वो नंबर्स कुछ भी हो, अगर जो उस नंबर्स के बाद में कोई ऐसे डिजिट आ रही है, कोई ऐसा नंबर्स आ रहा है जो 2 के टेबल से पूर्ण डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा भाग जा रहा है, तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा था। तो इसके लास्ट में 6 है, 6 ऐसा नंबर है जो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में आता है ना, तो ये भी होगा। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 1 2, 3 में से 2 को माइनस करो, 1 हो गया, यहां से 13, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा, अब क्या है 3, क्या अब 21 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 2 के, ये 21 किसके टेबल में आता है, 3 के, तो अब 3 से कर देंगे, 3 7 जा 21, 7 किसके टेबल में आता है, 1 के में आता है और खुद के में आता है, तो 7 कैसा नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो ठीक है 7 1 जा 7, ठीक है ना। अब 54 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से 27 टाइम्स, फिर 2 से नहीं होगा 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम्स,
तो ये अपना क्या निकल करके आ गया बेटा, ये हमने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिए। तो अब इनको लिख लेते हैं हम ऐसे एक साइड में ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन। अब 54 के क्या है प्राइम फैक्टर, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इनमें हाईएस्ट पार्ट कॉमन आ रहा है। तो हमने देखा कि टू यहां पर भी है, टू यहां पर भी है, तो टू को हमने क्या लेंगे बेटा कॉमन। उसके बाद टू यहां पर है क्या, यहां पर टू है क्या, नहीं, यहां पर थ्री है और यहां पर भी क्या है बेटा थ्री है। तो हमने यहां पर क्या ले लिया थ्री। क्या कुछ और कॉमन है क्या दोनों में, नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स। तो जो हमारा एचसीएफ निकल करके आ गया वो कितना आ गया बेटा सिक्स, ठीक है। एचसीएफ हमारा निकल करके कितना आ गया सिक्स आ गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, अब क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, जो हमारा एचसीएफ आया है, जो हमारा एचसीएफ आया मल्टीप्लाई जो हमारे नंबर बचे हैं कॉमन से अलग। तो कॉमन से अलग हमारे पास क्या बचा बेटा टू टू टू। तो थ्री टू टू या फोर टू या एट, एट सेवन या फिफ्टी सिक्स। तो फिफ्टी सिक्स को ले लीजिए, यहां से क्या बचा है थ्री थ्री या नाइन, तो नाइन को भी ले लीजिए। तो एल सी एम की अगर जो हम बात करें, एल सी एम की अगर जो हम बात करें, तो एचसीएफ कितना था हमारे पास सिक्स मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दिए, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर। तो फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स कितना आ जाएगा फिफ्टी सिक्स। तो जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं फिफ्टी फोर की मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स में। सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का फोर टू कैरी, सिक्स फाइव जा थर्टी टू, थर्टी टू, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव और टू ट्वेंटी सेवन, फोर टू सेवन थ्री टेन और टू और वन कैरी थ्री, थ्री थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर। तो जो हमारा एलसीएम आ गया वो कितना आ गया थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर। ये हमारा क्या आ गया बेटा एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ गया, एचसीएफ हमारे पास आ गया, नंबर्स हमारे पास है। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन। तो जो ये लिखा हुआ है मैं इसको रफ कर दूं बेटा, पहले मैं इसको अच्छे से रफ कर देता हूं, फिर यहां पर मैं इसको क्वेश्चन को करा दूंगा। तो फैक्टराइज तो समझ में तो आ गया होगा ना कैसे हमने फैक्टराइजेशन करे। तो जो हमारा वेरीफाई है ना उसको लिख लेते हैं, किसको वेरीफाई करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल ये नंबर को मैं मान लीजिए ए मल्टीप्लाई बी। तो मैं इसको कहता हूं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वे नंबर्स क्या है ए एंड बी। तो ए एंड बी, तो एचसीएफ कितना आया अपने पास सिक्स मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया अपने पास थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर इक्वल ए कितना है थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स फोर जा सिक्स फोर, मल्टीप्लाई तो करनी आती है ना बेटा, तो करो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर टू कैरी, सिक्स टू जा ट्वेल्व टू फोर्टीन, सिक्स जीरो जीरो लेकिन वन कैरी है, सिक्स थ्री जा एटीन, तो एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर। अब इधर देखते हैं इधर भी ऐसी आता है क्या, तो ऐसी तो मल्टीप्लाई करने में अगर जो थोड़ी डिफिकल्ट होगी तो उसको ऐसे कर लेते हैं 54 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 24 का 4 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी भाई, 4 6 24 सॉरी यहां पर 4 आएगा, 4 3 जा 12 और यहां पर कैरी क्या होगा 2 होगा। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व और टू फोर्टीन वन कैरी, फोर थ्री जा ट्वेल्व और वन थर्टीन मल्टीप्लाई, फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और थ्री कैरी का एटीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और वन फिफ्टीन और वन सिक्सटीन, ऐड कर देते फोर फोर
8 और 3 11 का 1, 6 और 1 7 और 8 और 1 का 1, तो 118,144। तो LHS यानी LHS इक्वल किसके आगे? RHS के आगे। LH इक्वल किसके आगे? RHS के। जब LHS इक्वल RHS के आ जाए तो यानी कि जो थ्योरम हमें दे रखी थी, जो फॉर्मूला हमें दे रखा था, वो हमारा अब क्या हुआ? प्रूव हुआ। अगर जो ये LHS इक्वल RHS के ना आता तो हमारा जो ये कह रखा है इसको वेरीफाई कीजिए, तो ये वेरीफाई हमारा नहीं होता। तो हमारा अगर जो वेरीफाई नहीं होता तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने पहले क्वेश्चन में जब लेक्चर को स्टार्ट किया था उसमें जो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, तो यानी कि वो फॉर्मूला हमारा गलत था। लेकिन हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया क्या कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यानी कि जो नंबर हमें गिवन होते हैं उनका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे ने अभी तक नोट नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन से तो आप साथ लेकर ही बैठे होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।